हाय गाइस, सैमसंग फैंस के लिए ना मेरे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, या फिर मैं बोलू गुड न्यूज है। सबसे पहले बता देता हूँ, ये सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा जो है ना, मेरा प्राइमरी फोन है। और इसको मैंने प्राइमरी फोन सिर्फ इसलिए बना रखा है क्योंकि इसके अंदर जो AI फीचर्स है वो नो डाउट यार बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और जो गुड न्यूज है ना, वो गैलेक्सी AI फीचर से रिलेटेड ही है। देखो, न्यूज ये है कि जो पुरानी सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज है ना, उस पूरी सीरीज को गैलेक्सी AI फीचर्स मिल चुके हैं। इनफैक्ट जो सैमसंग के फ्लिप 5 फोल्ड 5 है ना, और जो टैब S9 सीरीज है, सबको गैलेक्सी AI फीचर्स मिल चुके हैं। और ये एक्चुअली में बिग डील है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, अगर आप किसी और ब्रांड को देखोगे ना, वो अपने पुराने फोन्स को लेटेस्ट फीचर नहीं देते क्योंकि ऑब्वियसली नए फोन की सेल ड्राइव करनी होती है। और क्योंकि सैमसंग ने जो है पुरानी सीरीज को ऐसे गैलेक्सी AI फीचर्स दिए है, ये हम कंज्यूमर्स के लिए ना बहुत बड़ी विन हो सकती है। तो इफ इन केस आपने मिस कर दिए गैलेक्सी AI फीचर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, आज मैं सारे के सारे आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ तो आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो ये जो गैलेक्सी AI फीचर्स है ना, मैं इन दो फोन में दिखाने वाला हूँ। एक तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 4 गैलेक्सी प्रोसेसर है। और अगर मैं बात करूं सैमसंग गैलेक्सी S23 FE के बारे में, तो इसमें एक्सिनस 2200 है। इनमें सारे के सारे फीचर्स करके दिखाता हूं AI वाले। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो S23 FE है ना, फिलहाल ये 40,000 रुपीज के आसपास मिल रहा है, और इसमें ऑलमोस्ट वही फीचर्स मिल रहे AI के जो S24 अल्ट्रा के अंदर है। अगर मैं पहला गैलेक्सी AI का फीचर बताऊं ना, तो वो है कॉल असिस्ट। इसमें ना लाइव ट्रांसलेशन हो जाती है। अगर आपको किसी से कॉल आया और वो दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके दिखा सकता है। और यार ये बहुत हेल्पफुल बन सकता है काफी सिनेरियो में। और इसी का अपोजिट, अगर मैं हिंदी में रिप्लाई करूंगा और जिसने मुझे कॉल किया है उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर उसको सुनाई भी देगा। एक और AI का फीचर बताऊं, सर्कल टू सर्च, बहुत ईजी है यूज करना। जस्ट मुझे नीचे वाली साइड टैप एंड होल्ड करना है और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं सर्कल करके उसे सर्च कर सकता हूँ। अब बेटर तरीके समझने के लिए ना, ये मान के चलो कि आपने इंटरनेट पे एक ऐसी फोटो देखी, जस्ट आपको यहाँ पे होल्ड करना है, इसके ऊपर ऐसे सर्कल क्रिएट कर दो, उसके बाद नीचे इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, बाकी चीजें भी मिल जाएंगी आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ, सब कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि मैंने अभी S23 FE दिखाया ना, अब इस S23 में भी करके दिखाता हूँ क्योंकि सेम फीचर इसमें भी आया है। अब देखो, मैं यहाँ पर टैप एंड होल्ड करता हूँ, मैं कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। ये भी कर सकते हैं, आपके आगे कोई ऑब्जेक्ट है, आपको नहीं पता है क्या करता है, तो जस्ट यहाँ पे मैं पिक्चर क्लिक करूंगा, उसके नीचे रिजल्ट आ जाएंगे। मतलब कि ऑब्वियसली पहले भी ये सब कुछ पॉसिबल था, बट इतनी आसानी से इंटीग्रेशन नहीं थी किसी भी चीज की, जस्ट यहीं पे आपने टैप एंड होल्ड किया, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया। ये एक बहुत कन्वीनियंट फीचर है। फिर नेक्स्ट जो फीचर है मेरे हिसाब से वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब जब मैं अपना S24 अल्ट्रा ट्रिप पे लेकर गया था ना, तो उस जनरेटिव AI की मदद से मैंने कमाल एडिटिंग करी थी। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ इस S23 FE में। जैसे कि ये वाली फोटो है, मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये जो है जनरेटिव AI वाला पार्ट है पूरा। अब मैं चाहता था कि मेरी फोटो ऐसी कैप्चर ना हो, मैं सेंटर में होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, जस्ट मुझे इस पर टैप करना है, सेलेक्ट हो गया, दोबारा टैप एंड होल्ड करूंगा, और अब मैं चाहूँ ना अपने आप को सेंटर में ला सकता हूँ, ठीक है, और जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। बस ये थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, और आप देखना, डन यार, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जैसे मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ, मैं यहाँ था, अब मैं सेंटर में आ गया। अब पता है AI का क्या मस्त रहता है इसके अंदर, अगर मैं यहाँ जूम भी करूँगा ना, कोई ऐसे फेक वगैरह नहीं लगेगा, ऐसे पिक्सेलेटेड फील नहीं होगा ये वाला पार्ट, पूरी ओरिजिनल फोटो लगती है। मैं इसको डन कर दूंगा और ऐसा कॉपी सेव करके रख सकता। अब एक और फीचर दिखाता हूँ, आपने कोई एक फोटो खींची, इसको और कैसे बेटर किया जा सकता है। स्वाइप अप किया, खुद एडिटर ऑप्शन दिखा देगा क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन रिमूव हो सकती है, बैकग्राउंड में इफेक्ट आ सकता है, और रीमास्टर वाला आउटपुट काफी लोगों को पसंद आता है। इसका फायदा बताता हूँ, देखो अब रीमास्टर हो चुका है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। मैं जूम करता हूँ स्क्रीन पे, जिससे यहाँ पर कैमरे में मैं क्लियरली दिखा सकूँ। देखो बिफोर ये वाला आउटपुट था, आफ्टर ये वाला है, स्लाइट इम्प्रूवमेंट दिखा देता है ये स्किन पे, जो काफी लोगों को हेल्पफुल लगती है। और अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, ये जो मैंने आपको जनरेटिव AI वाला पार्ट दिखाया है, इसने मेरे को बहुत हेल्प किया है। मतलब ऐसा भी हुआ है कि बहुत स्मार्टली और बहुत एक्यूरेट तरीके से इसने बैकग्राउंड में जितने भी लोग थे सब हटा दिए थे, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होती है। एक और फीचर दिखाता हूँ जो S23 में है, लेकिन S23 FE में नहीं। देखो अगर मैंने कोई वीडियो ओपन कर रखी है और मैं चाहूँ इसको स्लो मोशन में कन्वर्ट करना, और जो कि मैंने यहाँ पर
60 fps में वीडियो कैप्चर नहीं करी हुई, जस्ट मेरे को टच एंड होल्ड करना है। देखो स्लो मोशन में हो गई है। अब AI की मदद से फ्रेम ऐड होते हैं इसमें, तभी इतना स्मूथ रिजल्ट आता है। अब जो नेक्स्ट गैलेक्सी AI फीचर बता रहा हूँ ना, मैं अपने S24 अल्ट्रा में आई थिंक डेली यूज करता हूँ। इस AI फीचर का नाम है चैट असिस्ट, और मैं 100% श्योर हूँ इस टाइम पे आपको सुनने में लगेगा कि हाँ ठीक है यार ये नॉर्मल सा फीचर है, बट जब एक बार कोई इसको यूज करना शुरू करता है ना, लिटरली मतलब एडिक्ट हो जाता है, मतलब या फिर मैं बोलूँ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है कोई भी इस फीचर से। एग्जाम्पल देखो, S23 FE में मैंने कुछ गलत टाइप करा है, इसमें इंग्लिश भी गलत है, इनफैक्ट यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक भी करी, जैसे अवेलेबल मैंने गलत लिखा है, फीचर मैंने गलत लिखा है, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स है इसके अंदर। मैं यहाँ पर जाऊँगा ये वाले पार्ट में, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करूँगा। अब देखो इसने फटाफट पूरा रिजल्ट दे दिया कहाँ कहाँ मेरी गलती थी। इसने यहाँ पर दा लगा दिया, इसने फीचर की स्पेलिंग ठीक करी, अवेलेबल की स्पेलिंग ठीक करी, और जितनी भी चीज़ें थी, और बेटर इंग्लिश लिख के दे दी इसने मुझे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इंसर्ट कर सकता हूँ इसको। इनफैक्ट बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, अगर मैं खुश नहीं हूँ रिजल्ट से, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा लाइक कैजुअल लिख दिया है, तो मैं राइटिंग स्टाइल में जाके डिफरेंट तरीके देख सकता हूँ कि और क्या होंगे सेम चीज़ को लिखने के लिए। जैसे प्रोफेशनल लिखना हो मुझे सेम चीज़, तो देखो कितना प्रोफेशनल कर दिया इसने सारी चीजें। आप एक बार पोस्ट करके वीडियो को इसको पढ़ना, सेम इसने जो है सोशल पोलाइट इमोजीफाई तरीके से भी इसने सेम चीज लिखी है। मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं इस टाइम पे, जैसे कि मैं भी प्रोफेशनल वाला यूज कर देता हूं, तो पूरा का पूरा ऐसे लिखा गया। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने ऑलमोस्ट डेली यूज करा इस फीचर को, और बहुत बार ऐसा होता है कि यार मैं ट्वीट करने जाता हूं और मुझे पता है कि वो ट्वीट बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, तो यार जब ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है ना कि मेरी ग्रामर गलत नहीं होगी, मेरी स्पेलिंग गलत नहीं होगी, तो मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर फीचर वैल्यू एडिशन करता है। फिर नेक्स्ट जो गैलेक्सी AI फीचर है ना, उसका नाम है नोट असिस्ट। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नोट्स लिखते हैं, और बहुत ज्यादा बड़े बड़े नोट्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस S23 की नोट्स ऐप के अंदर मैंने बहुत बड़ा कुछ लिख रखा है। अब AI की मदद से ना मैं बस एक टैप करके इसको बेटर फॉर्मेटिंग दे सकता हूँ जो बहुत प्रोफेशनल दिखेगी, या फिर मैं ट्रांसलेट तक कर सकता हूँ, और सबसे बेस्ट समराइज भी हो जाएगा। अगर मुझे नहीं पढ़ना इतना बड़ा नोट तो मैं समराइज भी कर सकता हूँ। और समराइज से याद आया, अगर सैमसंग ब्राउजर में कोई आपने आर्टिकल ओपन कर रखा है, उसको जस्ट एक टैप से AI की मदद से समराइज किया जा सकता है, वो भी जो है बहुत इजी कर देता है रीडिंग। तो ये तो बातें होगी टेक्स्ट और समराइज वगैरह की, बट जो नेक्स्ट AI फीचर्स है ना, वो सारे वॉइस से रिलेटेड है, और एक्चुअली में यार ये इंपैक्टफुल है। एग्जांपल दिखाता हूं, सैमसंग की वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप है, यहां पे मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं। अब मैं जो भी बोलूंगा ना, ये कोशिश करेगा उसको रिकॉर्ड करके, फिर उसके बाद ट्रांसक्राइब करेंगे हम। जैसे कि मैंने जो भी रिकॉर्ड किया है, इसको कर देते हैं बंद, सेव कर देते हैं। देखो इसने हिंदी में लिख दिया जो भी मैंने अभी बोला था एग्जैक्टली, मोस्टली अच्छा काम कर जाता है। और अगर ये रिकॉर्डिंग बहुत लंबी होती ना, तो ये समराइज भी कर सकता था उसको। और सिमिलरली एक ऐप है यहाँ पर इंटरप्रेटर, अभी AI की हेल्प लेके ट्रांसलेट करता है। अगर मैं कुछ भी हिंदी में बोलूंगा ना, मैं उसको जर्मन या फिर कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसमें ट्रांसलेट करवा के बुलवा सकता हूँ। तो ये जितने फीचर मैंने आज बताया ना, मोस्टली फीचर्स जो है ओल्ड जनरेशन को भी सैमसंग ने दी ना, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। जैसे कि S23 सीरीज में भी मोस्टली फीचर्स आए, टैब S9 के अंदर भी मोस्टली फीचर्स है, और ऑब्वियसली जो फ्लिप 5 या फिर फोल्ड 5 है, उनको भी मिले मोस्टली फीचर्स। तो यार ये चीज पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है। और जितने भी लोग सैमसंग का फोन पसंद करते हैं ना, तो जो S23 FE का फिलहाल प्राइस है, मतलब ये आया था 60,000 rupees के अराउंड, और अब फिलहाल ऑफर्स के बाद 40,000 rupees के अराउंड मिल रहा है, और क्योंकि इसमें गैलेक्सी AI फीचर्स भी आ चुके हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग फोन बन जाता है। आप बताओ ना, आपका क्या ओपिनियन इस चीज से रिलेटेड, आपको इनमें से मतलब गैलेक्सी AI में से कौन सा फीचर एक्चुअली में हेल्पफुल लगा सुनने में, मैं आप लोग के कमेंट पढ़ना चाहूंगा यार। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।